हाय, हेलो एवरीवन। तो ये काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या बच्चों को मिलेट्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो इसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है कि कब से स्टार्ट करना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, एंड आपको कितनी बार देना चाहिए, और जो भी इसके सारे डिटेल्स हैं वो सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मिलेट्स क्या है? तो जो मिलेट्स हैं वो एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड है, और ये जो है इसका ग्लूटेन फ्री है। तो जो ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको गेहूं से एलर्जी होती है, वो बच्चे भी ये खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, और ये जो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस फाइबर रिच फूड है, इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, एंड इसमें बहुत ही अच्छे अमाउंट में काफ़ी सारे मिलेट्स होते हैं। तो किसी में कोई पर्टिकुलर विटामिन, किसी में कोई पर्टिकुलर मिनरल या प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा है, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सबका शॉर्ट में बताऊँगी। तो यूजुअली मिलेट्स से आपको क्या मिल सकता है? अप्रॉक्सीमेटली 1 कप कुक्ड मिलेट्स में लगभग 6 ग्राम की प्रोटीन होती है, विटामिन ए होता है 50 इंटरनेशनल यूनिट, देन फॉलिक एसिड होता है, नियासिन होता है, और मिनरल्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, थोड़ा सा आयरन और विटामिन B1 B2 ये सब रहते हैं। तो ऑब्वियसली मिलेट टू मिलेट डिफर करेगा, किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा बट किसी में थोड़ा सा कम होगा, बट स्टिल जो ओवरऑल है इसमें जो है काफ़ी अच्छे अमीनो एसिड्स भी रहते हैं, एंड जो है बाकी जो ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं लाइक जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब भी इसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में रहते हैं। एंड इसका क्या है, एक बेनिफिट ये भी है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब ऑब्वियसली जो काफ़ी एल्डर एज है, जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है ही मोस्टली। और बट ये जैसे रिस्क रहता है हमारे कैंसर या हाई बीपी या ओबेसिटी या फिर जो हो गया डायबिटीज़, उनके भी रिस्क को ये थोड़ा सा कम करता है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगी कि क्या क्या कौन कौन से मिलेट्स हैं जो कॉमनली मिलते हैं इंडिया में, और कौन कौन से कॉमनली मिलेट्स होते हैं, एंड उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए भी है। तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बच्चों के लिए ही बनाना है, आप बना रहे हैं तो आप अब खुद भी खा सकते हैं, सबको भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है एक फॉक्सटेल मिलेट, जिसको हिंदी में जो है काकुम या कहीं कंगिन करके भी कुछ बोलते हैं। तो ये बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छा है। देन बाजरा, बाजरा जो है वो जो है पर्ल मिलेट होता है, वो जो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। देन नेक्स्ट इज़ फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट जो है साउथ का, स्पेशली जो कर्नाटका में है, उस बहुत ही कॉमनली यूज रहता है। इसको हिंदी में बोलते हैं रागी, और ये जो है इनफैक्ट कर्नाटका में जो मेन वीनिंग फूड है, जिस लाइक रोटी राइस की जगह जो मोस्ट ऑफ द बच्चों में स्टार्ट करते हैं, रागी से ही स्टार्ट करते हैं, एंड राइस ऑब्वियसली रहता ही है वहाँ। तो अदरवाइज रागी जो है वन ऑफ द मेन वीनिंग फूड, एंड इसके बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू है। देन एक होता है कोडो मिलेट। कोडो मिलेट जो है वो भी डायबिटीज़ में और काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं। देन एक आता है बार्नयार्ड मिलेट, जिसको जो है उसमें काफ़ी अच्छा फाइबर रहता है, कैल्शियम रहता है। देन वन इज़ लिटिल मिलेट। तो लिटिल मिलेट में जो है काफ़ी अच्छा आयरन और फाइबर रहता है, और डायबिटीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। देन ज्वार, ज्वार जो है मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है, इसमें काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, और ये काफ़ी इजीली अवेलेबल और काफ़ी अच्छा जो है प्रोटीन कैल्शियम भी रहता है इसमें। तो ये जो है आपको मिलेट्स जो है आप सिर्फ बच्चों के में ही नहीं, अपने डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मिलेट्स का क्या है, रागी इज़ गुड फॉर वेट गेन। रागी जो है बच्चों को देते हैं तो अगर घी वगैरह डाल के देते हैं तो वेट गेन के लिए अच्छी है। अदरवाइज जो है सिर्फ इसका रागी सॉरी मिलेट्स का ये है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन में हेल्प नहीं करेंगे। अगर आप मॉडरेशन में लेते हैं तो इनफैक्ट वेट लॉस में हेल्प करेंगे, लेकिन इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आपको बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो ये आप कब से शुरू कर सकते हैं, ये आप जो है अप्रॉक्सीमेटली 6-7 मंथ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तो इसमें क्या है काफ़ी अच्छा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ये सब है, ग्लूटेन फ्री है, एंड बहुत ही रेयर है। यूजुअली किसी भी बच्चों में इसकी एलर्जी नहीं होती है, जैसे कि गेहूँ की एलर्जी या अंडे की एलर्जी या हनी, इस काफ़ी सारी चीज़ों की जो एलर्जी होती है वो मिलेट्स में नहीं मिलती है।
तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप कब से शुरू कर सकते हैं इसको? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 month से शुरू कर सकते हैं। एंड जो रहता है मोस्टली 6 7 month में भी बेबीज डाइजेस्ट करने लगते हैं, स्पेशली कर्नाटका में। जैसे मैंने बताया कि रागी ही मेन वीनिंग फूड रहता है, तो 8 month पे तो आप सब शुरू कर ही सकते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप शुरू कर रहे हैं सिर्फ 1 चम्मच दीजिए, एंड धीरे धीरे ही बच्चे जैसे टॉलरेट कर रहा है, जैसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाइए। बहुत रेयरली रहता है कि बच्चों में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए या कुछ और में भी डाइजेस्ट ना हो, बट यूजुअली बच्चों में ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। तो मेन जो है ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, ये सब जो है इजीली अवेलेबल हैं एंड काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं, तो आप इन सब को ऐड कर सकते हैं। बट याद रखिए कि मॉडरेशन में ही दीजिए। ऐसा नहीं है कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो आप सुबह से लेके रात तक चारों मील या जो भी आप दे रहे हैं हमेशा बच्चे को उसमें मिलेट्स ही दे रहे हैं, तो आप दिन में एक बार दे रहे हो या वीक में 3 4 बार दे रहे हो तो दैट्स ओके, बट मिलेट्स आप ज़रूर इंक्लूड करो। तो बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं इसके कि एक तो ये इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, क्योंकि बच्चों में स्पेशली काफ़ी कॉमन है कि डाइजेशन का इश्यूज रहता है, तो ये काफ़ी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। देन क्योंकि इसमें क्या है, फाइबर काफ़ी रहते हैं। एंड नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द मिलेट्स में कैल्शियम अच्छे अमाउंट में रहता है, तो क्योंकि बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है तो बच्चों को काफ़ी अच्छे अमाउंट का कैल्शियम भी मिलेगा। नेक्स्ट इज कि इसमें आयरन भी बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली जो रागी है वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। कैल्शियम भी रहता है उसमें और आयरन भी बहुत अच्छे अमाउंट में रहता है, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बच्चों को पसंद भी आता है। तो आप जो है रागी एटलीस्ट कभी कभी आप ज़रूर देना चाहिए। देन क्योंकि आयरन की कमी से बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत ही कॉमन है। तो अगर ये मेरे बाकी वीडियोस जो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हैं कि आपको डेली न्यूट्रिशन में क्या क्या देना चाहिए, बच्चों को कितना किस अमाउंट में क्या देना चाहिए, एंड बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो क्या करना चाहिए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज कि इसका जो है मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है, बट बहुत ही रेयरली कुछ बच्चों को इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो आप जब देंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं। अगर लगता है आपको किसी पर्टिकुलर मिलेट से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या किसी पर्टिकुलर फूड से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप वो चीज़ अवॉइड करिए। देन लॉन्ग टर्म में क्या है, ये ओबेसिटी में, डायबिटीज़ में, कैंसर के रिस्क को, इन सब को कम कराते हैं। देन ये जो है मसल रिकवरी या मसल डेवलपमेंट में भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में है। देन वन इज कि ये जो है काफ़ी बच्चों में जैसे स्पेशली रागी के बाद जो है बच्चों को नींद काफ़ी अच्छी आती है, तो आप कभी आप जो है आप लंच में रागी दे सकते हो, दैट काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं मिलेट्स के। देन नेक्स्ट आता है कि आप बच्चों को कैसे किस फॉर्म में दे सकते हैं मिलेट्स, क्योंकि यूजुअली काफ़ी लोग जो नहीं देते हैं, हमने कभी नहीं बनाया है तो यही कन्फ्यूज़न रहता है। तो रागी के मेरे ऑलरेडी वीडियोस हैं 4 तरीके की रागी पॉरेज जो कि आप कैसे दे सकते हो, 6 month+ में है तो वो आप देख सकते हैं, रागी के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और मिलेट्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। देन इनको जो है यूजुअली अगर आप 6 month पे दे रहे हो तो कोई भी पॉरेज फॉर्म में दे सकते हैं कुक करके, या फिर उसके बाद अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो इसका खिचड़ी या राइस की तरह कुक करके, या फिर जो हो गया कभी सैलेड की तरह, या फिर कभी उसकी खीर बना दी, या फिर काफ़ी सारे जो मिलेट्स हैं उनको आपको पीस के आप चीला बना सकते हैं। रेसिपीज़ शायद आपको काफ़ी सारे यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएंगी, एंड अगर आप चाहते हैं मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करूं और तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि लाइक किस बच्चे को क्या खिलाना चाहिए एंड ऑल, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।